जय श्री महाकाल। हरिहर। संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो है पहला भ्रमित मानव रचित संबंध, कन्फ्यूजन मैन मेड रिलेशन, जहाँ मानव खंड खंड करके परिवार बनाया है, जहाँ मानव ने एक वहाँ पे नोट दिया हुआ है, हम दो हमारे दो, यही छोटी सी परिवार को दुनिया मान लिया है, इसी को दुनिया मान लिया है। देखो, जब तक मानव ने इसको दुनिया मान लिया है, इतने से लोग को ही दुनिया मान लिया है, वो निपटेगा और दूसरों को भी निपटाएगा, उनके साथ में जरूर उनको भी निपटाएगा और खुद भी निपटेगा, लूटेगा भी और निपटेगा भी और लुटवाएगा भी, तीनों चीज होगी। क्योंकि आपने अभी तक कोई संबंध समझा ही नहीं है, अभी तक जो मानव ने संबंध बना लिया है कि यही हमारा संबंध है, इतना सही संबंध है बस, ठीक, कि ये मेरा परिवार है, ये पति है, ये पत्नी है, भाई है, बहन है, दोस्त है, या मेरा बेटा है, बेटी है, पिता है, माता है, चाचा है, चाची है, मामा है, मामी है, यही बस हमने बनाया रिलेशन, इसके बियॉन्ड क्या है। मानो यहीं तक रह गया है और इसको निभाते निभाते पूरी जिंदगी चल जा रही है, उसको सबकी ख्वाहिशें पूरी करते करते, सबकी आशाएं पूरी करते करते और सबके चिंता को मुक्त करते करते खुद चिता हो जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव ने सिर्फ इसी को ही दुनिया मान ली है, यही सबसे बड़ा उसके लिए गैम्बलर पॉइंट है, यहीं पे वो धोखा खा रहा है। देखिए, अब इसके बाद आता है अस्तित्व रचित संबंध, जहां जागृत अस्तित्व रचित संबंध है, मतलब अवेकन एग्जिस्टेंस मेड रिलेशन है, वो ही हर मानव जाति में एक है, वही सब एक है, सब में एक है और बराबर है और निरंतर है और कोई आकार नहीं, फॉर्मलेस, शेपलेस, साइजलेस, कलरलेस, वो क्या है? प्रकृति है। वो फोर एलिमेंट्स है, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, धरती तत्व, आकार, ये चार तत्व है, जहां मानव अस्तित्व परिवार है, यहां मानव एक है, यहां मानव संपूर्ण में एक है, हम में सब एक, और यही प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति पूरे चार एलिमेंट मिलके और पूरे पांच तत्व एलिमेंट मिलके एक हो रहा है, कोई कंपटीशन नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई क्रोध विरोध नहीं, कोई घृणा नहीं, किसी प्रकार की भी घृणा नहीं इन पांच तत्व, पर जो इन पंच तत्वों को हैंडल कर रहा है वो वहां पे दिक्कत है, वो भ्रमित मानव है, वो है मैनुअली स्टेट, वहां जो भ्रमित मानव रचित संबंध है वो मैनुअली सपोर्टिंग स्टेट है और फ्लक्चुएटिंग स्टेट,
मैनुअली फ्लक्चुएटिंग स्टेट और सपोर्टिंग स्टेट, जो कि जो कंफ्यूज्ड मैन मेड रिलेशन, ठीक, पर जो एग्जिस्टेंस है, ठीक, अवेकन एग्जिस्टेंस है, वो डायनेमिक स्टेट, ऑटोमेटिक डायनेमिक स्टेट है, वो ऑटोमेटिकली वो एक होता है। उसमें ये क्वालिटी है, उसमें ये गुण है ही, और ये क्रिया है ही, और ये घटना होती है। फिर अब बात आती है सअस्तित्व, रचित संबंधों की, जो कि परमानेंट है, स्टैटिक है, स्टेट परमानेंट स्टैटिक स्टेट है, जो कि आदमी स्थायी रूप से स्थिर अवस्था है, इसी में सब कुछ होल्ड है, इसी में मानव, इसी में पूरी प्रजाति, इसी में पूरी प्रकृति, और इसी में पूरा कॉस्मोस एनर्जी एग्जिस्ट है, ठीक, पूरा यूनिवर्स। जो कभी नहीं हिलता, उसमें पूर्णतः रूप से स्थिरता है, स्टेबिलिटी, एंड उसमें पूरा इंटेंस है, बल है, ठीक, समझ में आ रही बात। और ये संपूर्ण रूप में टेंस है, बात बिल्कुल समझनी पड़ेगी। यही अखंड परिवार है जिसने पूरी प्रकृति को, पृथ्वी को भी होल्ड करके रखा हुआ है, और पूरी दूसरे प्लैनेट्स को भी होल्ड करके रखे, पूरे तारों को होल्ड करके रखा। तो बात समझनी पड़ेगी कि कैसा परिवार होना है हर मानव को। मानव को होना है अखंड परिवार, मानव को होना है अस्तित्व परिवार और सअस्तित्व परिवार। पर मानव क्या हो रहा है? मानव हो रहा है खंड खंड परिवार। तो देखिए, सअस्तित्व संबंध में मानव शून्य में हम सब, शून्य में हम सब हैं, इसलिए भारत ने क्या रचा? शून्य। भारत ने इसलिए जीरो का इन्वेंशन किया था, इससे न ज्यादा कुछ है, इससे कुछ कम भी नहीं है, ठीक। तो ये बात बिल्कुल समझनी पड़ेगी हर मानव जाति को। पहले लार्जर स्केल में समझना होगा, फिर मीडियम स्केल में समझना होगा, फिर आखिरी में न्यूनतम स्मॉल स्केल में समझना होगा, ठीक। अभी क्या हुआ, स्मॉल स्केल को ही उसने लार्जर स्केल समझ लिया, ये सबसे बड़ी बेवकूफी। तो मानो क्या कर रहे हैं? मानो ये बोल रहा है कि, भ्रमित मानो ये बोल रहा है कि हमारा छोटा परिवार ही सब कुछ, इसी के लिए दिन रात एक करना है। जो आपका मैनुअली सहायक है, कुछ देर के लिए थोड़ा सहायक करता है, सपोर्टिंग करता है, उसके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। और जो आपको दिन रात चला रहा है,
प्रकृति आपको दिन रात चला रही है, प्रकृति आपको 24 घंटे हवा दे रही है, प्रकृति आपको 24 घंटे अग्नि दे रही है, धूप दे रही है, आपके अंदर अग्नि है, धरती हीट है, आपको 24 घंटे क्या है जीवन दे रही है, पर कोई ध्यान नहीं है। सूर्य आपको 24 घंटे सूर्य रोशनी दे रहा है, कोई कृतज्ञता नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई महत्व नहीं, तो क्या होगा? वहां मानो सुखी कैसा होगा जब तक समझेगा नहीं और सम्मान नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा स्वयं में, तो कैसे होगा? तो इसलिए बात समझेंगे, जो आपके लिए 24 घंटे कार्यरत है और सेवाकृत है और सहायक है और सहयोगिता कर रहा है और आपके लिए हमेशा उपयोगिता ही है, ठीक, और आपके लिए वो हमेशा योग्यतावान ही होगा क्षमतापूर्वक, और उसी से आपकी क्षमता बनती है, रहती है और होती है। द कैपेसिटी इज बी एग्जिस्ट ड्यू टू ओनली द एग्जिस्टेंस एंड द को एग्जिस्टेंस। पर मानव वहां पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मानव तो और कहीं ध्यान दे रहे हैं, मानव ने सोचा मैनमेड बना है वही इंपॉर्टेंट है, मटेरियल के पीछे ही भाग रहा है, ऐसा कोई इन्वेंशन ही नहीं हुआ जो मर मानव ने इतना बड़ा रचा है उसमें, यहाँ पे कोई ABCD नहीं समझ रहा है शरीर और जीवन, बाकी जगह पूरा PhD कर डाल रहा है। क्या होगा, कैसे होगा? तो इसलिए हर मानव जाति को ये बात समझना पड़ेगा कि अब इतना छोटा परिवार मत समझो कि हम दो, हमारे दो या हमारा परिवार 50 परिवार 100 लोग का परिवार, इतना सा परिवार है भाई, तुम्हारी पूरी ब्रह्मांडी सृष्टि है, हर जगह आप जाओगे तो अवेलेबल रहेगा, हर जगह आपके लिए सेवाकृत है, आपके लिए कार्यरत है। तो उसके साथ समाहित होइए, उसके साथ भागीदारी होइए, तो फिर जीवन जीने की क्वालिटी बढ़ेगी, फिर आनंद आएगा, फिर 24 घंटे निरंतर आनंद है क्योंकि आपके संग में ही है 24 घंटे, और आपके से तालमेल बना के चलता है, हमेशा तालमेल, कितना बढ़िया। तो अस्तित्व में प्रकृति कितना ऑटोमेटिक काम करती है, हम पानी पी लेते सब अपने आप होता है, धूप मिल रही अपने आप टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑटोमेटिक स्वेट निकल जाता है, ठीक है, तो कितनी प्रकृति ऑटोमेटिक काम कर रही है। आपको कौन सा काम करना पड़ रहा है, मानो कौन सा काम करना पड़ रहा है, कोई काम नहीं करना पड़ रहा इंटरनली, आपको एक काम भी दिया जाए तो नहीं कर पाएंगे आप एक काम भी ढंग से, आप अपने ऑर्गन को एक भी एक मिनट के लिए भी आपको टाइम दिया जाए कि संभालो, आप नहीं संभाल पाएंगे। तो इसलिए जो प्रकृति आपके लिए ध्यान रख रही है और अस्तित्व तो आपके लिए हमेशा जो 24 घंटे एग्जिस्ट है ही, तो वहां ध्यान दो, वो परमात्मा है और आत्मा प्रकृति में, परमात्मा संपूर्ण में, सअस्तित्व में, व्यापक, ठीक है, जो 24 घंटे है ही, ठीक बात। जय श्री महाकाल, हरिहर।